ओम शांति। 19 नवंबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है, बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वे तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात, फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रालब्ध फिर सत्युग में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो, हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए, रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? कैसे छी छी बन जाते हैं? शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही सतयुगी राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हों,
तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वे औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां, भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है, सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है, ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है, सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, ये कोई समझेगा थोड़े ही। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो, यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो ज़रूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का, वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, कितना सहज है।
बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। ये है मन मना भव, मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको भी सारा मालूम पड़ता है, वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं, आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सत्युग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं। और कोई फर्क नहीं है, पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानी हैं, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में हैं सब देवता घराने के जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, मुख्य हैं चार धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। ये हैं असुल देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं, ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, ये फाउंडेशन है। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, रहना तो यहाँ ही है। जब तक लायक बन जाएं, हिसाब किताब सब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम सुख धाम। पहले सुख होता है पीछे दुख, बाप ने समझाया है। जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वे हैं सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है,
वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वे फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैंने ये शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए, उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जिससे तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे, ये तो हमको ज्ञान देती थी फिर ये कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो ज़रूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है, बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटकाकर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। परंतु अहो माया, आश्चर्यवत सुनन्ते कथन्ते फिर भागन्ते गिरन्ति हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुक तू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, सदा एकरस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भाव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे लेकिन आप महादानी बच्चे, सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति।